हेलो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं बच्चों के लिए चावल। क्योंकि बच्चों के लिए अगर चावल हम इंटरेस्टिंग बनाएंगे तभी तो वो खाएंगे ना। यहाँ पर पहले मैं ले रही हूँ पैन में ऑयल, और उसमें ले रही हूँ थोड़ा सा जीरा, और उसमें मैं डालूँगी 4 हरी मिर्च। वो काट के नहीं डालूँगी, उनको सिर्फ बीच में से काट के पूरी की पूरी ऐसी मिर्ची मैं उसको अच्छी तरह से भून लूँगी। क्योंकि अगर हम काट के मिर्ची खाएंगे तो वो हमारे मुँह में भी आ जाएगी ना। ऐसे अगर हम ऐसे मिर्ची डालते हैं तो इसका सिर्फ फ्लेवर ही चावल में जाएगा। इसको हम अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि जो इसका टेस्ट है वो चावल में बहुत ही अच्छा आए। ऐसे हम चावल में नहीं, किसी भी दाल सब्जी में हम मिर्ची ऐसे काट के डाल सकते हैं। फिर हम इसमें डालेंगे लंबे कटे हुए प्याज। आप इसमें और भी सब्जियां डाल सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ प्याज और सोयाबीन की जो बड़ी बोलते हैं वो डाल रही हूँ। और यहाँ पर पहले मैंने प्याज ले लिए, जब से थोड़ा सा भुन जाएंगे फिर मैं डालूँगी सोयाबीन की बड़ी। एक्चुअली जो सोयाबीन की बड़ी थी, अभी थोड़ा सा मैंने यहाँ पर डाल लिया है नमक ताकि जो प्याज है वो जल्दी भुन जाए। और फिर मैं जो सोयाबीन की बड़ी है उसको मैंने पहले ही 10-15 मिनट पहले ही पानी में भिगो कर रख दिया था। अब मैं उसको अच्छी तरह से निचोड़ के फिर ही इसमें डालूँगी, क्योंकि जो सोयाबीन की बड़ी है वो सेहत के लिए अच्छी भी होती है। सोयाबीन हमारे शरीर के लिए ज़रूरी भी है, तो बच्चों के लिए ये बहुत ही अच्छी रहती है। अब मैं इसको अच्छी तरह से पानी इसका निचोड़ के इसमें डाल दूंगी और इसको अच्छी तरह से भून लूंगी। अब आप देख सकते हो, क्योंकि अगर मैं पानी नहीं निचोड़ती तो ये पानी इसमें निकल जाता। जब भी हम डालते हैं ना बड़ी, तो पहले मैंने पानी निचोड़ दिया था। थोड़ी सी मैं रेड मिर्ची ले रही हूँ कलर के लिए, सिर्फ कलर के लिए डालनी है, ज़्यादा नहीं डालनी। नमक थोड़ा सा पहले मैंने डाल दिया था। इसको ना हम धीमी आंच पर ही पकाएंगे। और फिर मैंने डाल दिया है पानी थोड़ा सा, और फिर मैंने चावल और पानी इकट्ठे डाल दिए थे। अब आप देख सकते हो कि चावल और थोड़ा सा और पानी मैंने इसमें डाल दिया था। अब इसको हम ढक के पकाएंगे। जो चावल थे वो पहले मैंने अच्छी तरह से 2-3 बार धुल लिए थे। एक्चुअली ये वनस्पति चावल है, इसमें पानी थोड़ा कम पड़ता है। अब आप देख सकते हो कि थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको चेक करते रहिए। थोड़ी देर मैंने इसको मतलब ढक के पकाया, फिर मैं इसको ऐसे ही बिना ढक्कन के पकाऊंगी, और लास्ट में मैं इसको ढक के 5 मिनट पका के गैस बंद कर दूंगी। फिर वो जो हमारे चावल है वो बहुत ही अच्छे बनते हैं, क्योंकि भाप से कोई भी चीज़ हम बनाते हैं तो बहुत ही अच्छी बनती है। चावल तो और भी ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, क्योंकि लास्ट में हमें इसको भाप में ही पकाना चाहिए। अब आप देख सकते हो कि पानी सिर्फ थोड़ा ही बचा है। अब यहाँ पर मैं इसको ढक दूँगी। अब मैंने इसको ढक दिया है। अब 4-5 मिनट मैं इसको ऐसे ही रखूँगी गैस चलाए, और फिर मैं गैस बंद कर दूँगी। अब मैंने गैस बंद कर दिया है, और देख सकते हो कि 10 मिनट बाद हम जब इसको देखेंगे तो हमारे चावल बिल्कुल खिले खिले बने हुए हैं। अब आप इसको बच्चों के लिए सर्व कर सकते हो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।